ओके okay, uh, तंग आके मैंने इक्वेशन जो है वो पहले टाइप कर लिया इस इक्वेशन के अंदर जो डिविएशन की है उसमें एक्स का स्केयर स्केयर ऑफ एक्स का सिग्मा फिर सिग्मा ऑफ एक्स का स्केयर ठीक है डिवाइडेड बाय एन वेयर एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो इसके अंदर जो आप लोगों ने जो ये वैल्यू है वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स स्केयर ये कितनी है यह है फिफ्टी फोर ठीक है मैं साथ में इसको लिखता जाता हूँ सॉरी पहले मैं इसको कॉपी करूँगा ताकि उसी वैल्यू को हटा के मैं इसकी मैथमेटिकल वैल्यू जो है वो पुट करूँ पहले था सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर मैं पता है इस बात का दैट इज फिफ्टी फोर माइनस सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 14 डिवाइडेड बाय एन एन स्टैंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू थ्री फोर तो चार नंबर ऑफ ऑब्जर है तो ये चार आ जाएगा डिवाइडेड बाय एन माइनस वन तो ये फोर ही है और डिवाइडेड बाय ओवर एन है एन वन फोर तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छा अब हमेशा पूछा जाता है कि जी स्टैंडर्ड डिशन जो है ये होती क्या स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोगों ने स्टेटिस्टिक्स में भी पढ़ी होगी और जनरली स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो स्टेट के अलावा मैथ्स में भी काफ़ी दफ़ा जो है वो बेसिकली uh, जो है ना उसको पढ़ा जाता है तो स्टैंडर्ड जो है ना वो डिविएशन होती क्या है ठीक है इसको थोड़ा पहले उर्दू में पढ़ते हैं ये उर्दू में जो है ना ये स्टैंडर्ड डिशन जो है ना वो होती क्या है देखो जितनी जो है ना वो डेट को बिलफर्ज आपके पास ना कोई डेटा सेट है ठीक है ना जैसे मैं बोलता हूँ आपका डेटा है रेनफॉल का ठीक है ना रेनफॉल का डेटा है आपके पास दो मिलीमीटर मीटर तीन मिली मीटर चार मिलीमीटर मीटर पाँच मिली मीटर छः मिली सात मिली ठीक है ना ये आपके पास डेटे का सेट है इस डेटा सेट को जो है नाम दे रहा हूँ ए का ठीक है ना रेनफॉल की वैल्यूज है ऐसे ही बी डेटा सेट है इसकी वैल्यू जो है ना दस है पाँच हैं ज़ीरो पॉइंट फाइव है ठीक है फिर उसके बाद जो है वो आ, आ, उसकी छः बारिश उसकी छः बरिज़ पूरी करते हैं सत्रह है चार हो गई सताईस है और सन्तालीस है ठीक है दो डेटा सेट्स हैं ठीक है अब अब इन दोनों डेटा सेट्स के जो है ना, वो स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करो हमेशा ये जो डेटा सेट है इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन ज़्यादा आएगी क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी आपस की वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये क्या है ये भी ऐसा ही है ठीक है ना मतलब स्टैंडर्ड डिवीशन का मैं एग्जैक्ट टर्म आपको डिफाइन करूँ आपके पास कोई डेटा सेट है आपने उस डेटा सेट का निकालना है मीन अगर मैं इस डेटा सेट का मीन निकालूँ मैं अगर इस डेटा सेट का मीन निकालूँ तो मीन ऑफ ए जो है वो कितना होगा मीन ऑफ ए कितना होगा ओबियसली टू प्लस थ्री प्लस फोर में क्योंकि निकालना पड़ेगा मुझे और इसको जो है वो करना पड़ेगा मैंने कहा टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन ठीक है नंबर ऑफ़ जो है टर्म्स है वो सिक्स हैं ट्वेंटी सेवन इसका सम है तो उसको सिक्स से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई फोर पॉइंट फाइव ठीक है अच्छा ऐसे exactly यहाँ पे इसका मैंने मीन निकाला ठीक है नंबर ऑफ टर्म्स ये भी सिक्स ही है लेकिन टेन प्लस फाइव प्लस पॉइंट फाइव प्लस सेवनटीन प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस फोर्टी सेवन ठीक है ना तो वो आ गया सेवनटीन पॉइंट सेवन फाइव ठीक है अब स्टैंडर्ड डिविएशन होती है कि जो वैल्यूज हैं वो अपने मीन से कितनी दूर है ठीक है ना स्टैंडर्ड डिशन क्या है स्टैंडर्डियशन क्या है इसको डिफाइन कैसे करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएशन ऑफ डेटा सेट ऑफ डेटा वैल्यूज फ्रॉम द मीन कि मीन से जो है कितनी वेरिएशन जो है वो वैल्यूज की है अब अब ये देखो कि इस वाले के अंदर जो वैल्यूज हैं वो मीन के पास पास ही हैं यानी कि टू और मीन का वैल्यू डिफरेंस फाइंड करो कितना आएगा थोड़ा थ्री भी मीन के पास है फोर भी मीन के पास ऐसे फाइव सिक्स सेवन सारे मीन के पास आस पास से उनके यहाँ पे चेक करो कोई वैल्यू पॉइंट फाइव है कोई वैल्यू फाइव है कोई फोर्टी सेवन है कोई ट्वेंटी सेवन है वैल्यूज़ बहुत दूर दूर हैं अपने मीन के साथ तो आप जब भी इस वाले डेटा सेट की स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करोगे ना और आपने ख़ुद करना है इसको मुझे बताना है करके आपने कि इस स्टेटे की इस फार्मूले के साथ स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करो फिर इसकी फाइंड करो आप देखोगे कि वैल्यू जो है स्टैंडर्ड डिवीजन की बी के लिए वो ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू तो दैट ऑफ ए ठीक है तो एक तो ये बात हो गई सही हो गया अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्या है इसमें एक टर्म तो डेटा को डिफाइन करने के लिए जो है वो आपने सीख ली कि वो बेसिकली क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक हो गया मीन आपको क्या मीन जो है ऊपर जो उसकी दूसरी टर्म है वो क्या है वो है एवरेज कि सारी वैल्यूज़ को जो है ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ जो है उससे यूनिट से टोटल नंबर ऑफ़ टर्म से डिवाइड कर दो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो क्या आ जाएगा वो मीन आ जाएगा अब मुझे आपको बताना है अगली कुछ जो पैरामीटर्स हैं ये मैं जितने बता रहा हूँ इनको अपने ध्यान से जो है ना इनको समझना है क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना आपको आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे पहला हमने क्या पढ़ा है स्टैंडर्ड डिशन कैसे फाइंड करते हैं इस फ़ा मुलाकात ठीक है दूसरा क्या पढ़ा है मीन पढ़ा है मीन तो सिंपल है एवरेज सम सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बेसिकली आ जाएगा मीन, ठीक है